नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर वन शो दंगल। देश की दक्षिण में बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इस दुर्ग को बचाने में लगी है, जबकि भारत की सबसे पुरानी पार्टी इस दुर्ग पर फिर से कब्जे की तैयारी में। बात हो रही है कर्नाटक की, जहां सियासी फिजा चुनावी नारे और प्रचार में बदली हुई है। चुनाव प्रचार अपने आखिरी चरण में है। कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक एक सेकंड का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम के बेंगलुरु के रोड शो के बाद बीजेपी के हौसले आसमान पर है, जबकि कांग्रेस को कर्नाटक की जनता से काफी उम्मीदें हैं। इस चुनाव में भ्रष्टाचार, विकास, ये तमाम मुद्दे हैं। उसके साथ ही साथ जुबानी जंग भी तेज है। इसमें टर्निंग प्वाइंट तब आया जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का खाका तैयार किया। तभी से बीजेपी ने इस मुद्दों को ऐसा लपका कि कांग्रेस के लिए ये मुद्दा गले की हड्डी बन गई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए ये मुद्दा बैकफायर करेगा या फिर वोटों की फसल काटने को मिलेगी। आज कई सवालों का होगा हिसाब, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। पंजा है जो एक रुपये में से एक ही फाइव खा जाता है, यही कांग्रेस का काम करने का तरीका है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की। कर्नाटक के लोग 10 मई को आपको बताएंगे कि वे किस मिट्टी से बने हैं। प्रचार का आखिरी दौर सिर्फ 24 घंटे बाकी। कर्नाटक के रण में थम जाएगा ये शोर, थम जाएगी बयानबाजी, थम जाएगी हुंकार। लेकिन थमने से पहले प्रचार के अंतिम चरण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु में रोड शो ने चुनावी प्रचार में हलचल मचा दी है। कल 26 किलोमीटर और आज करीब 10 किलोमीटर के रोड शो के दौरान बेंगलुरु रोड शो के रंग में ही रंग गया। पीएम के रोड शो से बीजेपी की उम्मीदें आसमान पर हैं। वहीं शिवमोगा की रैली में पीएम मोदी ने जनता से ब्याज समेत लौटाने का वादा किया। गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटक का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। क्या कर्नाटक का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो माहौल कुछ और था, लेकिन आखिर तक आते आते सियासी फिजा बदलने लगी है। बीजेपी ने जो मुद्दे उछाले, उन्हीं के इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। आपको मैंने कल भी रोड शो में देखा, जब भी देखती हूँ सबसे ज्यादा आप 4% मुस्लिम आरक्षण हम खत्म कर रहे हैं इस पर जोर देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम आरक्षण गैर संवैधानिक था। संविधान की कोई भी धारा धर्म के आधार पर आरक्षण को सहमत नहीं, और वो जो 4% दिया था वो जिनका अधिकार था उनका छीन कर दिया। तो हमने सामाजिक न्याय को बरोबर करने का काम किया है और तुष्टीकरण की राजनीति का छेद उड़ाने का काम किया। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये भी हिंदुत्व का एक पिच है? तो आप कहती है कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजा जी और कृपलानी जी, ये सब हिंदुत्व के पुरोधा थे? UCC संविधान के गाइडिंग प्रिंसिपल में रखा है और संविधान सभा ने रखा है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। जय बजरंग बली। बजरंग बली इज इक्वल टू बजरंग दल कैसे हो सकता है सर? ये जनता को ही पूछिए आप, ये क्यों नहीं? हमने तो बजरंग दल पर बैन लगाने का फैसला नहीं किया। इसमें भी जो बजरंग दल पर बैन लगाने का फैसला है, ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का एक प्रकार।
अब उल्टा पड़ा तो हम पर आरोप लगे, अगर वो न करते तो क्या होता। मोदी, अमित शाह, नड्डा से लेकर बाकी नेताओं ने कर्नाटक की गलियों को नाप लिया। विजयनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि बीजेपी के लिए दक्षिण भारत के इकलौते दुर्ग को बचाना आसान नहीं, कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। राहुल गांधी ने आज बेंगलुरु में डिलीवरी बॉय के स्कूटर पर सवार होकर प्रचार किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। 40% कमीशन वाली सरकार जैसे स्लोगन के जरिए आक्रामक है, लेकिन ये आक्रामकता की झलक सोनिया गांधी के प्रचार में भी देखने को मिली। सोनिया ने शनिवार को हुबली की रैली में बीजेपी पर निशाना साधा। पिछले 3.5 साल में कर्नाटक को जिन परिस्थितियों में पहुंचाया गया है वह आपके सामने है। इस बदहाली को दूर करने की शपथ आज आपको लेनी है। आप ही बताइए कि आप किस पर भरोसा करेंगे, चंद लोगों के फायदा पहुंचाने वालों या फिर सभी के उत्थान के लिए संघर्ष करने वालों पर। करप्शन पर पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को घेरा। विकास के ये सब कार्य अपने बरसों के कांग्रेस भी कर सकती थी, उनको मौका मिला था, भारी बहुमत से मौका मिला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कांग्रेस याने टोटल करप्शन, कांग्रेस याने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस याने 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी, कांग्रेस की दशकों से आदत, पहले झूठा कमिटमेंट करो और जब लोग चिल्लाए कि भाई तुमने कमिटमेंट किया था तो क्या जवाब देते हैं, अरे हमने कमेटी बना दी है। यानी भ्रष्टाचार से लेकर बजरंग बली और जुबानी जंग के बीच 10 मई को कर्नाटक में वोट डाले जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि 13 मई को जब ईवीएम मशीन से गिनती पूरी होगी तो किसका रहा बोलबाला। हिमांशु मिश्रा के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक। तारुफ करा देते हैं आपका मेहमानों से। अजय आलोक हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। वारिस पठान प्रवक्ता एआईएमआईएम पार्टी के हैं। एसएस शकरन्ना प्रवक्ता जेडीएस के हैं। संदीप शास्त्री राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया, वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और आप सबने, सबके सब लोगों ने कहा कि कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन चोरी की सरकार है। कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 6 साल के बच्चे को मालूम है। प्रधानमंत्री को भी कर्नाटक के भ्रष्टाचार के बारे में मालूम होगा। आप ही ने तो कहा था डबल इंजन सरकार, इस बार डबल इंजन चोरी हुई है। मोदी जी, आप कर्नाटक की जनता को बताइए 40% का कौन से इंजन को कितना मिला। अजय आलोक जी, राहुल गांधी सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप उसको खिसका कर बजरंग बली पर ले जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगता है जब लोग अपनी स्वीकारोक्ति भूल जाते हैं। इसी देश में एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे राज्य में 85% का भ्रष्टाचार है, हमने तो नहीं कहा था। इसी देश के दूसरे प्रधानमंत्री ने कहा था कि सहयोगियों के साथ सरकार, कोलिशन की सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि सहयोगियों के भ्रष्टाचार को आप रोक नहीं सकते, ये हमने तो नहीं कहा था। और हम क्यों बजरंग दल पे ले जाएंगे, आप हम पे क्यों डाल रही हैं भाई? घोषणा पत्र हमने तो नहीं निकाला था ना, घोषणा पत्र तो कांग्रेस ने ही नहीं लिखा था। देखिए, बजरंग दल और बजरंग बली, बजरंग बली के ही देखते हुए उनके शौर्य, उनके साहस,
उनकी लोगों के प्रति भावना को देखते ही बजरंग दल का जन्म हुआ था विनय कटियार के द्वारा। बजरंग दल की भावना बजरंग बली के ही रास्ते पे चलने की है, इसलिए बजरंग दल और बजरंग बली अलग नहीं है, और बजरंग बली के भावनाओं पर ही बजरंग दल चलता है और ये देश की भावना के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमने नहीं कहा था कि बजरंग दल को बैन करेंगे, ठीक है अजय, आप ये सोचिए पार्टी इसका इतिहास बात करना चाहूंगी, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय के लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त, बातचीत आपको सुनवाते हैं। हम कितना धन्यवाद करेंगे तब उनको, कम 10-12 दिन तक घुसते रहे, एक ही कमरे में बंद रहे। जब हमारे इंडिया आपको पता चला कि हमारे बारे में, तो आप ऑपरेशन कावेरी स्टार्ट किया, तो हमको इतना खुशी हुआ कि हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतना सब कर रहे हैं, हमको बहुत बहुत खुशी हुआ। तब हमको जितना डर था वो सब डर निकल गया सिर्फ आपके वजह से। और जब हमें वहाँ से निकाल के हमारे सभी सुविधा कुछ भी एक छोटा सा खर्च भी नहीं आया सर, जितने हमें सब इतने सुरक्षा से यहाँ पे बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके वजह से सर, सिर्फ आपके वजह से। आपको जितना भी मैं धन्यवाद बोलूँ कम है सर, हमारी बात हमारी पुकार हमारे रोना धोना हमारे जो भी हमारा मुश्किल था आपके पास पहुँचा आपने। हमारे इतने सारे लोग सिर्फ हक्की पिक्की कम्युनिटी के ही 200 लोग 210 लोग थे, उनको आपने लेके आए। तो सब दवाई बेचते हो, तो सब आपकी दवाई पे भरोसा करते हैं। महाराणा प्रताप के साथी थे और महाराणा प्रताप ने जब ये उनकी स्थिति बनी तो उन्होंने वचन व्रत लिया था, मैं विजयी होकर के वापस आऊंगा, तब मैं घास पर सोऊंगा, ऐसा कहा था ना। आपके पूर्वजों ने तय किया था कि जब तक राणा प्रताप फिर से प्रस्थान नहीं लेते हम घर पे नहीं रहेंगे, हम घूमते रहेंगे। ये इतना बड़ा त्याग किया है आपके पूर्वजों ने। अच्छा आप लोग तो कहते हैं कि गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं। चावंडी ले वो देवी हमारा घर में देवी ले मारा पुरकनी माता ले ओ कालका ओ काली मारी मैया तू ले वो वो ओ देवी दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर फंस जाता है तो हम सोते नहीं है, और इसलिए हम दिन रात लगे रहे। अब हमारी चिंता ये थी कि कुछ राजनेता भाषणबाजी करने लगे, बयानबाजी करने लगे, हमें लगा कि अगर ये इस प्रकार से बोलेंगे और वहां ये लोग यहां छुपे हैं पता चलेगा तो कोई मार देगा, तो चुपचाप काम करना था, चुपचाप आपको लेके आना था। जैसा आपने कहा लूट भी चल रही थी तो हमें वो भी सुरक्षा करनी थी, तो हम नहीं चाहते थे कोई नुकसान हो। और हमें खुशी है कि आज देश के 4,000 से ज्यादा अपने भाई बहन इस मुसीबत में से, आपने तो युद्ध देखा है, गोलियों की आवाज सुनी है, लगी हुई आग देखी है, इतनी मुसीबत में से आप निकल करके आज पहुंचे हैं। देखिए ये देश की ताकत है, देश की ताकत कभी मत भूलना। भूलोगे क्या? ये देश आपके लिए करता है। प्रधानमंत्री उनसे बात कर रहे थे जिन्हें सूडान से रेस्क्यू किया गया है, उन समाज के लोगों से, आदिवासी समाज के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। और हर चीज देखिए राजनीति से भी कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। अगर कर्नाटक के इलेक्शन चुनाव से जोड़कर देखें तो 8% आदिवासी हैं और हो सकता है उनको साधने की भी यहां पर कोशिश हो। लेकिन अजय आलोक जी आप कह रहे हैं कि बजरंग दल बजरंग बली से ही प्रेरित है
और बजरंग दल को बैन करना बजरंग बली पर सीधे प्रहार है, लेकिन बार बार सवाल ये हो जाता है कि बजरंग दल अलग है, बजरंग बली से आप सीधे उसको क्यों जोड़ रहे हैं? और चुनाव में जब आप सरकार चला चुके हैं तो ये मुद्दे जो कांग्रेस ने मान लीजिए लूज बॉल फेंकी, आप क्यों उसको पकड़कर आप अपनी पिच क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं लड़ाई के लिए? हमारी पिच तो डेवलपमेंट की पिच है, हमारी पिच जनता से कनेक्ट की पिच है। आज आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे इस चुनाव में दो दिन बच गए प्रचार के और एक छोटे से ग्रुप से बैठ के बात कर रहे हैं। जानती हैं क्यों प्रति जी? क्योंकि कनेक्ट वो दिल में उतरते हैं लोगों के, एक इमोशनल पल्स है जो कि आज की राजनेताओं में मिस करता है, वो प्रधानमंत्री जी में है, वही उनको अलग करता है दूसरे से। जब भाषण देते हैं तो हिंदी में ही भाषण देते हैं कर्नाटका में रह के, क्योंकि वो दिल में उतरना जानते हैं। कर्नाटका प्राइड के बारे में वो बोलते हैं जो कोई नहीं बोल रहा है आज की तारीख में। और ऐसी पार्टी जिसको 65 साल कर्नाटका पे राज करने का मौका मिला, देश पे भी राज करने का मौका मिला, वो ये सब क्यों नहीं कर पाई जो 4 साल में हमने किया, जिस पेस में हमने किया? हमने मना किया था डबल इंजन, कहते हैं डबल इंजन कहां गया? अरे डबल इंजन तो सबसे ज्यादा अगर किसी की रही होगी तो कांग्रेस पार्टी की रही होगी इस देश में, जब हर राज्य कमोबेश और केंद्र में कांग्रेस रहती थी, तब क्यों नहीं विकास किया? आज जो हम कह रहे हैं कि हमने 4 साल में ये किया, आप भी कहते भैया किससे मना किया? ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं एक चीज समझना चाह रही हूं, क्योंकि कई घोषणाएं हो जाती हैं। एक मिनट में खत्म कर लूं। आप ये बता सकते हैं कितने बेघर लोगों को आपकी सरकार ने घर दिया? कर्नाटका में सिर्फ, मैं अब देश की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात करें तो 4.25 करोड़ लोग को भी तो घर दे चुके हैं सिर्फ कर्नाटका में। हाँ, सिर्फ कर्नाटका में 7 लाख से ऊपर आवास आवंटित किए जा चुके हैं। फिशरमैन के लिए अलग से 50,000 घर वहां की सरकारें बना रही हैं। अभी जिस ट्राइबल कम्युनिटी से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, बोम्बई सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए एसटीएससी कम्युनिटी वेलफेयर के लिए अंडर द ट्राइबल सब स्कीम के तहत रिलीज ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसपे 2 साल से काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कुछ काम की लिस्ट अगर आप गिनाएंगी तो जितने काम चाहे वो जितने बेघर एपीएल और बीपीएल स्कीम में हैं, उन सब की लिस्टिंग की जा चुकी है और उसके हिसाब से हर साल अलॉटमेंट हो रहा है। और ये केंद्र सरकार की डायरेक्ट अलॉटमेंट है। आज कर्नाटका का विकास अपने आप बोल रहा है कि इनोवेशन में नंबर 1 है। कैसे? एफडीआई में पूरे देश में जितनी एफडीआई आती है 30% लोग कर्नाटका में पैसा लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्लाइमेट ऐसा है, केंद्र सरकार से सपोर्ट सिस्टम ऐसा है, सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है, इसीलिए लोग कर्नाटक जाना चाहते हैं। क्या ये माहौल हम खराब करना चाहें? एक ऐसी पार्टी के हाथ में जिसको हिंदू धर्म बोको हराम लगता है, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व मारना जानता है, काटना जानता है, जिनके बारे में ऐसे ऐसे ख्याल हैं, जो आतंकवादियों को खुलेआम प्रोत्साहन देते हैं, जिनके राज में 1500 से ऊपर पीएफआई के टेररिस्टों को छोड़ दिया जाता है, जिनके राज में कसादा में टेररिस्ट कैंप चलते हैं, क्या ऐसा कर्नाटका चाहते हैं या पिछले 4 साल वाला कर्नाटका चाहते हैं? कर्नाटका प्राइड चाहते हैं या वापस कर्नाटका को इसी तरह से अंधेरी गलियों में झुकना चाहते हैं? सवाल बहुत क्लियर है। एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो आपके दिल में कनेक्ट करता हो, जो आपके अंदर से जुड़ा हुआ हो, या एक ऐसा लीडर चाहते हैं जो आया दूर से ऐसे ऐसे हाथ हिला के चला गया? बात सवाल आज कर्नाटका का है, और कर्नाटका को सिर्फ कर्नाटका के प्रिज्म से मत देखिए। एक भव्य भारत बनाने के लिए कर्नाटका को बहुत आगे जाना है, यही प्रधानमंत्री जी का विजन है। और इसलिए आज उन्होंने कहा कि मैं सूद समेत वापस लौटा दूंगा जितना आप प्यार कर रहे हैं विकास करके। और विकास हमने किया है, ये 4 साल में हमने विकास किया है, इसको कोई काट नहीं सकता। आप ये बताइए, उज्ज्वला योजना में 32 लाख कनेक्शन सिर्फ कर्नाटका में मिले हैं, 48 लाख से ज्यादा हमने टॉयलेट बना दिए। आलोक जी, कई सर्वे जो चल रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बनवाए, उसमें कहा जा रहा है राज्य सरकार से तो खुश नहीं है वहां की जनता। आप मुख्यमंत्री चेहरा नहीं उतार पा रहे हैं, प्रधानमंत्री का ही चेहरा हर राज्य में चलेगा, वहां पर मुख्यमंत्री चेहरा भी तो नहीं घोषित किया आपने। ऐसा है कि हमारे सिटिंग मुख्यमंत्री ऑलरेडी घूम के प्रचार कर रहे हैं बोम्बई साहब। जब सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो मुख्यमंत्री घोषणा करने की क्या जरूरत है? मतलब वही होंगे अगले, अगर जीतते हैं तो वही मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बोम्बई साहब है, उनके नेतृत्व में। आप प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं कि ये दुरप्पा बोम्बई की सरकार ने जितना काम किया 4 साल में, उसके काम के पेस से डर लगता है या उसके काम की विशालता से डर लगता है? बदल गया आप, अभी आपने बोम्बई का बोला फिर येदियुरप्पा भी जोड़ दिया। आप मुस्लिम अपीजमेंट,
नहीं नहीं येदुरप्पा पहले उनके मुख्यमंत्री थे, येदुरप्पा तो थे लेकिन सर चुनाव, अब तो वोमई है ना, संन्यास की घोषणा खुद कर दी आप ही की पार्टी ने उनको अलग कर दिया था ना सर, बिल्कुल वोमई रहेंगे, आज आप साथ लेकर घुमा रहे हैं, वोमई है वोमई रहेंगे। ऐसा है कि उनपे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया था उसका कोर्ट ने उनको क्लीन चीट दी, उसके बाद फिर हमने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया, उनके नेतृत्व में पार्टी चुनाव भी लड़ी, उन्होंने खुद संन्यास की घोषणा कर दी, आज वो कर्नाटका और देश में भारतीय जनता पार्टी के मेंटर के तौर पर। हम अपने बुजुर्गों को अलग, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही कि चेहरा बताने की जरूरत नहीं है, वोमई होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री अगर बीजेपी वापस से सत्ता में आती है ना सर? जी ठीक बिल्कुल ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपकी तरफ से कौन चेहरा होगा? जी जब हम जीत के आएंगे 2/3 बहुमत से, हम बैठ करके अपना चेहरा का चुनाव कर लेंगे। इस देश में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण शुरू हो चुका है और कर्नाटक से उसकी विजयश्री यात्रा शुरू होगी। अब ये देश जान गया है, खासतौर से अभी चुनाव में कर्नाटका जान गया है कि भाजपा मतलब भ्रष्टाचार और भाजपा जहां वहां भ्रष्टाचार। 40% कमीशन की कर्नाटक सरकार जो चल रही है, इनके विधायक मंचों से भाषण देके बोलते हैं कि मुख्यमंत्री ढक का रेट 2500 करोड़ रुपए है, 1000 करोड़ रुपए मंत्रियों का रेट है, हर चीज का रेट कार्ड फिक्स है, काम में 40% कमीशन से लेकर सिपाही तक की पोस्टिंग में भी बाहर ना हो, जिस चीज में आप पर भी आरोप हो तो दूसरे पर मत जाइए, क्योंकि फिर सवाल डीके शिवकुमार को लेकर उठेगा कि 6 साल में 600 करोड़ रुपए की कैसे बन गई उनकी संपत्ति। मत जाइए ना सर, फिर उधर इन सवालों का फिर आपको भी तो सामना करना पड़ेगा। कैसे, एकदम सामना करने को तैयार हैं, कैसे बन गई उनका रिटर्न देख लीजिए। तो 6 साल में 600 करोड़ रुपए की बड़ी संपत्ति कैसे बनी कांग्रेस के सबसे अमीर नेताओं में से, कैसे हो गए डीके? क्या 6 साल के पहले, 6 साल आप ये कह रहे हैं कि 6 साल के पहले वो भिख मांगे थे, 6 साल के पहले उनके पास कोई प्रॉपर्टी या कोई उनका टर्नओवर नहीं था? आप क्या कह रहे हैं, इनकम टैक्स में 1200 करोड़ संपत्ति थी जो आम लोगों ने आम जनता की भलाई में खर्च दी उन्होंने अपने कोटे से, अब 600 करोड़ बची है जी। आप हमसे क्यों ये सवाल कर रही हैं? सत्ता में जो बैठा उससे पूछिए ना। मैं आपकी पार्टी के नेता का सवाल आपसे ही पूछूंगी। आप चाह रहे सिर्फ राहुल गांधी पर बात करूं तो छोड़ देती हूं डीके शिवकुमार। अरे अगर बीच देखिए थोड़ा बोल लेने दिया करिए, थोड़ा बोल लेने दिया। सवाल तो सत्ता में डबल इंजन जो बैठी हुई है, प्लीज यार भाई, ठीक ठीक अगर कोई भ्रष्टाचार किया तो बैठ के क्या कर रहे हैं? आप उनसे बोलिए ना, उनसे पूछिए कि ये चौकीदारी किसकी कर रहे हैं, किसके चौकीदार हैं ये? फिर डबल इंजन का मतलब है एक लूटता है एक झूठ बोलता है, वही है डबल इंजन का मतलब। इस देश में अब कहीं भी भाजपा चुनाव जीतने वाली नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए। और जिस जिस प्रदेशों में चुनाव होंगे उन प्रदेशों में आप ही बोलिए, मैं बोलूं भाई, लेकिन सर आपकी पार्टी पर मैं पूछूंगी ना, आपकी पार्टी पर जो डीके शिवकुमार पर, सिद्धरमैया पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, उस पर आप क्या कहेंगे? आप इसको ये कह के तो नहीं बच सकते कि भाई उनसे पूछो हमसे मत पूछो, क्यों ना पूछे भाई आपसे? आप बोलते रहिए, जब आप बोलने देंगे नहीं, सेंटेंस नहीं पूरा होने देंगी। अरे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, हैं तो बतावे बीजेपी के लोग जाकर के रैलियों में बतावे कि उनकी सरकार फिर क्या कर रही है, तो आप उनकी सरकार का नकारापन बता रही हैं। अच्छा बतावे आप यहां क्यों परेशान हो रही हैं? उनको यह राय दीजिए कि भाई भी कांग्रेस के लोगों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो जाएं वहां पे, इतनी अगर आपको है। चिंता है बीजेपी की, सही तो बात कह रहे हैं अजय, हम बात ये कह रहे हैं, ठीक है आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर कहेंगे आप बोलने नहीं मिला, ठीक है बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। मैंने मेरी बात हो जाने दें, मैंने कहा कि हिंदुस्तान में कहीं भी अब बीजेपी की जीत नहीं होने वाली है, लोग जान गए हैं इस प्रधानमंत्री जी को, इस पर ये हमारे प्रधानमंत्री जी का 9 साल से एक ही रिकॉर्ड बजता है, सांप्रदायिकता, हिंसा, कट्टरता, बैर, विभाजन, अपशब्द, अमर्यादित भाषा, सब झूठे, सब जबाक, लोग समझ चुके हैं। ठीक, जिस दिन से मोदी जी जाना शुरू किए हैं कर्नाटक में, बीजेपी की रोजाना 10 सीटें घटनी शुरू हो गई हैं, 5 सीटें घटनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि लोग
समझ रहे हैं कि आपसे झूठ असत्य बोलते हैं, गुमराह करते हैं, आपसे समाज को बांट करके अपने रोटी सेकने आते हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, आप कोई ये बता रहे हैं बड़ा काम करें, अभी ये गिना रहे थे, अरे एचसीएल हमने बनाया, एयरपोर्ट हमने बनाया, आपने अपने मित्र को बेच दिया, ठीक है, वही कर्नाटक में बेच दिया, किसने बनाया था? अब एक सेकेंड और रुकिए, अभी 10 दिन पहले इन्हीं के मंत्रालय ने रिपोर्ट दी, हर 3 महीने रिपोर्ट देती है स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, बोलने के लिए है कहां आपके पास? 150 करोड़ के ऊपर की 1449 परियोजनाएं हैं, जिसमें 56.3% परियोजनाएं लेट चल रही हैं। ठीक है, अब इसका जवाब ले लें, 5 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है, जवाब ले लेते हैं, अजय लोक, ये इन्हीं की सरकार मंत्रालय का रिपोर्ट है, देखिए ये बता, एक बता दे रहे स्मार्ट सिटी बन कर्नाटक में, कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई बता दें, ठीक है सर, अजय आलोक स्मार्ट सिटी बताओ कर्नाटक, देखिए अखिलेश जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनको प्यार से चचा कहता हूं, आज से नहीं बहुत पहले से, लेकिन चचा ये बताएं कि जब से मोदी जी जाना कहीं शुरू करते हैं तो कांग्रेस की क्या हालत होती है, जिस राज्य में बैठे हुए हैं अभी लाइव कर रहे हैं वहां पे मोदी जी ने जाना शुरू किया तो चचा हालत यह है कि आज 4 कंधे नहीं है कंधा देने को कांग्रेस की अर्थी को, और आप कह रहे हैं कि कर्नाटका में मोदी जी जाके क्या करेंगे, पिछले बार चुनाव का रिजल्ट याद है कि नहीं, 2018 का हम बहुमत में नहीं थे लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही थी, और इस बार पूर्ण बहुमत में आएंगे, बहुमत से कम 20 सीट ज्यादा आएगी, इसी क्योंकि इस बार 4 वर्ष काम करने का मौका मिला है, 40% कमीशन बोलते हुए आप लोग की जबान नहीं कट जाती है, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री खुद एडमिशन करते थे कि 85% भ्रष्टाचार की सरकार है, वो भी 1985 में, आज की बात नहीं कह रहा हूं मैं, कितना काम बोलता है और कनेक्ट बोलता है और लीडर की ईमानदारी बोलती है, अब एक मिनट वही कह रहा हूं, लीडर की ईमानदारी बोलती है, देश ऐसी नहीं है कि 9 साल से भरोसा करके जा रहा है, 10वें साल भी भरोसा करेगा और प्रदेश भी कर रहा है, प्रदेश दर प्रदेश मोदी जी का भरोसा कर रहा है, आपके कोसने से मोदी जी को कुछ होने वाला नहीं, चलिए ठीक है, वारिस पठान जी को चर्चा में लाना चाहूंगी और शंकर अन्ना भी हमारे साथ हैं, सबसे पहले जरा आ रही हूं अखिलेश जी, अब जवाब और सवाल अगर होता रहा तो आप दोनों एक दूसरे को जवाब सवाल और करते रहेंगे, तो जरा और मेहमानों को भी हम चर्चा में ले आए, ऐसे शंकर अन्ना कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ सर, नमस्ते मैडम, बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं कि बोम्मई जी उनके अगले मुख्यमंत्री होंगे, बोम्मई जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने में उनका नाम बिटकॉइन स्कैम में उभर आया, उसके बाद कोरोना के टाइम पे जो स्कैम हुआ है, 40% कमीशन का जो स्कैम है, ऐसे आदमी को वो फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है, कर्नाटक के लोग इसको देख रहे हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता तो जो है वो डर रहे हैं, नाम बोलने को भी डर रहे हैं, वो क्यों डर रहे हैं बोले तो उनमें इतने सीएम कैंडिडेट है, कल ही गुस्सा होके पार्टी ना छोड़ दे बोलते हैं, जेडीएस एक अकेली पार्टी है, सीना तान के मैं बोल रहा हूं, एचडी कुमार स्वामी जी हमारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, और मैं 13 तारीख को एचडी कुमार स्वामी जी ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि हम धर्म के बारे में बात नहीं करते हैं, हम कर्नाटक के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं और कर्नाटक की 6.5 करोड़ लोगों के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे तो लग रहा था कि आप कांग्रेस के साथ में ही हैं, पिछली बार साथ में ना सरकार आपने चलाई थी 1.5 साल, कांग्रेस खुद 2018 में हमारे घर तक बुके लेके आई थी, अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था और बोला था कुमार स्वामी जी आप मुख्यमंत्री बन जाइए बोल के, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कुमार स्वामी जी बन गए, तो अगर इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति बनती है, इस बार भी स्थिति ऐसी बनती है तो किसके साथ जाइएगा? हम तो कर्नाटक के लोगों के साथ ही जाएंगे और कर्नाटक के लोग भी हमारे साथ ही आएंगे, तो आप पिछली बार क्यों नहीं गए कर्नाटक के लोगों के साथ, 118 जिसको वोट मिले वो कर्नाटक का साथ दिखा रहा है या 69 वोट जिसको मिले वो कर्नाटक के साथ है? कर्नाटक का एक ही सक्सेसफुल रीजनल पार्टी है और वो है जनता दल सेक्युलर, इस बार जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, टीडीपी है, जैसे ममता बनर्जी का पार्टी है, वैसे हमको भी एक मौका मिलना चाहिए, कर्नाटक के लोगों को एक मौका मिलना चाहिए, हमको हमारे खुद का एक पार्टी जो दिल्ली जाके हमारे लिए बोल सके, वो एक पार्टी को हम लोग जिताएंगे, वो ठीक है, मान लीजिए दो चार नंबर इधर उधर हो जाते हैं तो किसको साथ लेंगे? साथ तो हम लोग
किसी को नहीं लेंगे, क्योंकि अच्छा। कर्नाटक के लोग हम पर पूरा भरोसा करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 122 जादुई आंकड़ा है और आप अगर 120 में आते हैं, दो की जरूरत पड़ेगी तो आप किसी को जोड़ेंगे नहीं, सरकार त्याग देंगे आप? नहीं, सरकार सोचेंगे मिलके कोई और, अपोजिशन में बैठेंगे हम तो, अपोजिशन में बैठेंगे। ठीक सर, मैं ये लिख लेती हूँ, चुनाव खत्म होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, फिर मैं देखती हूँ जेडीएस का क्या रुख रहता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के साथ नहीं जाने वाले हैं चुनाव के बाद ना, अगर आपकी सीटें कम आती हैं, उनकी सीटें कम आती हैं, आप नहीं जाएंगे? ठीक है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए ठीक है, ये मैं लिख लेती हूँ सर, याद रखूंगी मैं ये बात। वारिस पठान जी, कर्नाटक की जो ये स्थिति चल रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए अर्पिता जी, मुझे तो बड़ा अफसोस लग रहा है, बड़ा शर्मनाक बात है कि विश्व का इतना बड़ा डेमोक्रेसी बोलने वाला हमारा भारत देश, उसका प्रधानमंत्री चंद वोटों के लिए एक गंदी झूठी प्रोपोगंडा फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। ये किस दिशा में हमारे देश को लेके जा रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं हम दुनिया भर वालों को? क्या यही सेक्युलरिज्म है हमारा? अरे इंक्वायरी तो कर लेता, जो झूठे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मिलके एक फिल्म बना लिया, जिन्होंने पहले कहा 32,000 महिलाओं के साथ ऐसा हुआ, उनको ISIS में भेज दिया गया, एक टीजर के तौर पर उन्होंने देश में ये छोड़ दिया शोशा, उसके बाद आ गए 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, उसकी बात को मानते हुए प्रधानमंत्री कैंपेनिंग में लग गए, तो किस दिशा में? क्या सिर्फ इनको यही करना, पोलराइजेशन ही करना है, तुष्टिकरण की राजनीति करना है कि विकास डेवलपमेंट की बात करेंगे? प्रधानमंत्री को इंक्वायरी कर लेना चाहिए था सत्य क्या है, हाईकोर्ट ने भी पूछा सत्य क्या है, उसके बाद अर्पिता जी सुनिए, प्रधानमंत्री जी को यह भी पूछना चाहिए था, कर्नाटक में हुई है या अमित शाह की या जेपी नड्डा की, जिन्होंने केरला स्टोरी पर बात की हो, आपने सुनी ऐसे कोई भाषण सुना जिसमें उन्होंने कहा केरला स्टोरी देखिए क्या कर्नाटक में हो रहा है, इसके आधार पर दीजिए वोट? सुनिए, जेपी नड्डा जी स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए जाने वाले हैं केरला स्टोरी की। अच्छा? तो मैं तो उनको कहूंगा नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह साहब, सबको बैठ के पूछना चाहिए कि अरे हमारा तो मीडिया है ना, आप लोगों के जरिए से पता चल रहा है। देखिए मैं तो आपको ट्वीट भी दिखा सकता हूँ, किसने किया ट्वीट, क्या किया, क्या किया, सब आ जाता है हमारे पास। वो जो होगा क्या करते हैं, जो हो चुका है अभी तक तो प्रचार चल रहे हैं, प्रधानमंत्री लगातार कर्नाटक में हैं, अमित शाह कर्नाटक में हैं, उन्होंने केरला स्टोरी को जितना बड़ा मुद्दा आप यहाँ बैठकर बता रहे हैं, उस मुद्दे को भुनाया क्या? हाँ, ये तो प्रधानमंत्री ने दूसरा मुद्दा कौन सा लिया? हाँ, बजरंग बली, बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। अगर अर्पिता जी, वारिस पठान ये बोलेगा स्टेज पे खड़े होके, ये मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी पर बोल के बजरंग दल को बैन करेंगे, क्या होगा मैसेज? कांग्रेस पार्टी ने कहा बजरंग, अरे वो कहाँ बैंड करने वाले, उन्होंने बोला कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ। ये दोनों भी सुनिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है अर्पिता जी। कुछ नहीं करते, हुबली तक चले गए, लेकिन वहां पर जो एक मदरसा को तोड़ दिया गया था, जिसको शहीद किया गया, उसके बारे में तो कांग्रेस के नेताओं ने कुछ नहीं कहा कि हम वो भी बनाएंगे। हनुमान के मंदिर तो आपको बनाने हैं, लेकिन वहां पे आपको मस्जिद और मदरसा नहीं बनाना है आपको। तो ये किस तरह का आपका सेक्युलरिज्म का दिखा रहे हो पट, दुनिया तो देख रही है ना पूरा के पूरा। तो दोनों भी एक ही सिक्के के देश के अंदर एक होल लगी हुई है। कौन बड़ा हिंदू की बात कर देते हैं और बात मुस्लिमों की करते हैं, ये भी तो क्या बात करूं? सबकी बात कीजिए ना, हिंदुओं की भी बात कीजिए, मुसलमानों की भी बात कीजिए, ये भी बात कीजिए कि मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, तो ये भी बात कीजिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों, जब आप संविधान का डंका हर जगह बजाते हैं, आप हर जगह कहते हैं संविधान के हिसाब से काम होना चाहिए। संविधान में कहां लिखा है कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए? क्या लिखा है संविधान में? आप सुनिए, अब सुनिए अर्पिता जी, मुझे बताइए कि मुस्लिमों को जो आरक्षण दिया है वो संविधान के तहत दिया है, या उनका जो ओबीसी कैटेगरी में जो पासमानदा मुसलमान है 4%, उनको आरक्षण मिला है कमिटीज के रिपोर्ट के जरिए? चलिए मुझे बताइए, आप भी तो स्टडी करके बैठे होंगे ना, इतना बड़ा आप शो चलाती है, आप तो सुबह सुबह योगा भी करती है, बहुत अच्छी बातें करी है, बताइए मुझे, मेरे को बताओ कहाँ लिखा हुआ, हमने कभी धर्म के नाम पे आरक्षण मांगा ही नहीं है। अरे आरक्षण तो सुधीर कमीशन का रिपोर्ट था, मंडल कमीशन का रिपोर्ट था, क्रिश्चियन कमीशन का रिपोर्ट था, जो बताता है कि मुसलमान जो है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसको आरक्षण हटा दिया। तेलंगाना में भी जाके बोले हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे, जब तक आने वाले हैं नहीं, सारे मुस्लिमों की बात नहीं है ना, मगर हटा दिया ना, सारे मुस्लिमों की बात नहीं है ना। अरे तो क्या मुसलमान नहीं है वो? नहीं, पासवर्ड मुसलमान मुसलमान नहीं है, की बात नहीं होती। अगर मुसलमानों के अंदर एक वर्ग है जो ओबीसी है, मुसलमानों में भी तो आप कह रहे हैं जो पिछले मुसलमान है उनको आरक्षण मिलना चाहिए, सारे मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, है ना? सुनिए, पासवर्ड मुसलमान
सुनिए अर्पिता जी, वारिस पठान अपने बेटे के लिए आरक्षण नहीं मांग रहा है, ना कभी मैंने मांगा था। मैं तो उनके आरक्षण की बात कर रहा हूँ जिन माँ बाप का ये अरमान है कि उनका भी बेटा बेटी पढ़ लिख कर IAS IPS ऑफिसर बने, देश के तमाम नागरिक के साथ कांधे से कांधा मिलाए और देश का नाम रोशन करे। मुसलमान में भी जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए, सभी मुस्लिमों को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं बनाना चाहिए ना। तो मोदी जी तो खुद बोलते अरे नियम तो जो कमिटीज है, आप एक काम करिए ना, आपकी तरफ से एक लेटर लिखिए ना कमेटी को, कमेटी की रिपोर्ट है। मैं बहुत रोमांच कर रही हूं, यहां पर डंका बजाइए और कहिए कि हम देश की भलाई कर रहे हैं, सारे काम हम मीडिया वाले कर लेंगे सर, ठीक है। मैं ये चाहती हूं कि ठीक है, समझ गए सर, चिट्ठी भी हम लिखे, आप केवल आके यहां मुसलमानों की बात कीजिए, जब भलाई की कोई बात आती है तो उसकी चिट्ठी भी हम लिखे, उस पर जाके हम कार्रवाई करें, हम ही सवाल पूछे, सब हम कर ले सर, आप लोग सिर्फ राजनीति कीजिए, ठीक है। समझ गए सर, समझ गए। संदीप शास्त्री जी से एक रिएक्शन ले लेते हो, फिर आलोक जी आ रहे हैं। अर्पिता जी, आपका सवाल क्या है वो पूछे, 40 मिनट में से मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ कोई भी सवाल आपने पूछा नहीं हमें, ठीक है। संदीप जी, सवाल से ही पूछ लेती हूँ मैं, ये जरा बताइए, जिस तरीके के मुद्दे कर्नाटक में उठ रहे हैं, चाहे वो बजरंगबली का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, या PFI बैन का मुद्दा हो, UCC का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे आपको लगता है कि इनमें से कौन से ऐसे मुद्दे जो असर डालेंगे, और राजनीतिक जो पार्टियां हैं जो ऐलान कर रही हैं अलग अलग चीजों की अपने घोषणा पत्र में, उसमें किसको क्या फायदा नफा नुकसान आप देख रहे हैं? अर्पिता जी, पिछले 40 मिनट का मैं चर्चा यहां देखूं तो जो यहां हो रहा है वो कर्नाटक राज्य में जो एक कैंपेन हो रहा है उसी का एक मिरर स्वरूप है। लोग राज्य के लोगों की समस्याएं क्या हैं उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, मेरे विरोधी में गलती क्या है उसके बारे में चर्चा हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है, मेरा विरोधी क्या कर रहा है उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। कर्नाटका के जनता के साथ मैं समझता हूं तीनों पार्टियां इंसाफ नहीं कर रही कैंपेन में। अभी आप देखिए कर्नाटका में 75 इयर्स में अभी तक 2/3 ऑफ द टाइम कांग्रेस का शासन रहा है, बट 1/3 ऑफ द टाइम जनता दल और बीजेपी का भी रहा है। हम ये सुनते जा रहे हैं 65 साल किसी का शासन और वर्ष किसी और का। कर्नाटका में 50 साल कांग्रेस का रहा है और 25 साल जनता दल और बीजेपी का रहा है, 15 साल जनता दल, 10 साल बीजेपी। सो तीनों की इसमें भागीदारी है, तीनों इस राज्य में शासन जिस तरह से रहा है तीनों भागीदारी है। और आज पूरे 40 मिनट की चर्चा में आप बताइए लोगों का एक विषय, वो बेरोजगारी हो, वो पॉवर्टी हो, वो कीमतों की बढ़ाई हो, तीनों विषयों में से एक विषय भी 10 सेकंड किसी भी प्रवक्ता ने क्या बात किया है? और यहां पे जो हो रहा है आपके प्लेटफॉर्म से वही कैंपेन में भी हो रहा है, दूसरों को दोषी ठहराना, ये नकारात्मक राजनीति कर्नाटका के जनता को कभी भाएगी नहीं। ठीक है अखिलेश जी। अर्पिता जी, हमारे ये भाई शायद मेरी बात सुन नहीं पाए होंगे, क्योंकि मैंने महंगाई, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, रोजगार, बेरोजगारी, कांग्रेस का यही 5 प्रण और ये सब मुद्दे हैं, उन्हीं पे हम बात कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, पता ना कब इन लोगों में राष्ट्रभक्ति आएगी। वो बताते हैं कि मोदी जी के आने के पहले भारत घुटनों के बल था। अब मतलब आप देश का भी अपमान करोगे, अपने नेता का तारीफ करो कोई फर्क नहीं है भैया, लेकिन देश को बौना बता के अपने नेता को कद्दावर बताओगे, उस पे से कहोगे हम राष्ट्रभक्त हैं, सिर्फ सत्ता के भक्त हो। इनके लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो दलित समाज के इतने बड़े लीडर हैं, वहां केरल कर्नाटक के स्थानीय लीडर हैं, उनकी हत्या की साजिश कर रहे हैं, इतने डिप्रेशन में आ गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। एक हमारे सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री जी एक राज्य को केरल को आतंक का गढ़ बता दे रहे हैं आतंकवादियों का, ये कौन सी भाषा भाई? डबल इंजन हो तो बताओ ना कौन सा क्या किया।
झूठ और लूट के अलावा कुछ किए हो तो आप बताओ। ठीक है, एक चीज नहीं बता पा रहे हो, अभी भी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, आशीर्वाद मिलेगा तो ये करेंगे। अरे अब रुखसती का समय आ गया है, झोला थैला ढूंढ लो। अखिलेश जी कह रहे हैं, इसी से जुड़ा मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ। आपने बार बार यूसीसी का जिक्र किया, इस चुनाव में भी यूसीसी का जिक्र हुआ है। अब मैं आपको जरा एक बता देती हूँ, उत्तराखंड में 12 फरवरी 2022 को यूसीसी लाने का प्रॉमिस किया गया, क्या हुआ? कमेटी बनी बस। गुजरात में 26 नवंबर 2022 को यूसीसी का ऐलान हुआ, क्या हुआ? फिर आपको एक कमेटी का झंडा पकड़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य 23 अप्रैल 2022 को ये कहते हैं कि यूसीसी के बारे में सरकार सोच रही है। एमपी में क्या हुआ? एक कमेटी बन जाती है। तो आप वादा कर देते हैं, आप कहते हैं कि लाइए हमको सत्ता में, लाइए यूसीसी लेकर आएंगे। आपने यहां यही कार्ड कर्नाटक में भी चला, लेकिन बाद में सिर्फ कमेटी बनकर ही रह जाती है। ऐसा है अर्पिता जी कि उत्तराखंड में तो 30 जून से लागू होने जा रही है, बाकी जगह भी लागू होगी। कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि उसके सारे कानूनी पहलू पे तार्किक तरह से विचार विमर्श करके एक सही जामा पहनाया जा सके। अभी आपके डिबेट में मैं सुन रहा था, आपने एक चीज कॉमन देखा, वारिस पठान और कांग्रेस पार्टी दोनों को केरला स्टोरी से बड़ी दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है भाई। बहुत जल्दी हैदराबाद स्टोरी भी आएगी। ये स्टोरी से इनको दिक्कत इसलिए है क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ केरला स्टोरी नहीं है, ये पूरे देश में चल रही है और ऐसे ऐसे लोगों को संरक्षण इनको प्राप्त है, इसलिए केरला स्टोरी जैसी कहानी हम सुनते हैं। और इसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री चर्चा करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि हमारे देश की नारियों के साथ क्या किया जा रहा है, हिंदू बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है, और इसकी चर्चा करना गलत नहीं है क्योंकि देश के हर नागरिक को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। ये कहते हैं हमारे अध्यक्ष ने कहा भारत घुटनों के, ऐसे जागरूक होना चाहिए। आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपकी सरकार पर सवाल नहीं उठेंगे? पिक्चर का इंतजार कीजिएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो। अब आप सपोर्ट में आ गए, देखिए पिक्चर आ गई और ऐसा हुआ है। पहली बात, आपकी सरकार ने क्यों नहीं स्टैंड लिया कुछ ऐसा कि ऐसी घटनाएं अगर हुई है पिछली सरकारों में भी या पिछले समय में भी, तो कार्रवाई हो। अर्पिता जी एक मिनट, अर्पिता जी सुनिए तो सही। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, केरला में हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जहां जहां हमारी सरकार है वहां हमारी सरकार ने एक्शन लिया है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो असम हो, जहां जहां हमारी सरकार है वहां एक्शन हुआ है, वहां पे ये सब घटनाएं नहीं होती हैं। ये सबूत है कि लॉ एंड ऑर्डर के प्रति हम लोग गंभीर कितने। अब दूसरी बात कहते हैं, जो विदेशों में जाके कहे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, वो देश को घुटने की बल लाने की बात करता है। राहुल गांधी को लाइसेंस मिल गया है विदेश में जाके ये कहने का कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में मीडिया की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है, विदेशियों के बोल बोलते हैं। जो इस देश के नागरिक यहाँ पे राजनीति करते हुए चीन से राजनीति चंदा लेगा वो हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी पार्टी से हम देशभक्ति सीखने लगे तो चल गया देश। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अजय आलोक ने कहा कि हैदराबाद फाइल भी बोलेगी। सुनिए अजय आलोक, सुनिए अजय आलोक, एक भगवान सुनिए अजय आलोक, अभी मुझे बोलने दो यार, ये अच्छी बात नहीं है। अजय आलोक जी, एक भगवा लव ट्रैप पे भी फिल्म बनाइए ना, जिसके अंदर आपके ही लोग, हिंदुत्वा के लोग रात दिन बोला करते हैं सोशल मीडिया के जरिए मुसलमान औरतों को बेवकूफ बनाओ, उनको फंसाओ, उनसे शादी करो, हम तुमको 5-5 लाख रुपए का इनाम देंगे। काजल हिंदुस्तानी ने कहा, चवन के ने कहा, काजल पे तो केस हो गया, एफआईआर हो गया, उसके ऊपर कब बोलेंगे आप? उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? अरे हाँ, दूसरा करे तो लव जिहाद, हाँ, और आप करो तो घर वापसी। ये कहां का इंसाफ है? किधर से लेके आ गए? लव जिहाद का कंसेप्ट है क्या? चलिए बताइए मुझे। अमित शाह सो रहे थे, होम मिनिस्ट्री सो रही थी, सुनिए आतंकवादी बनाने के लिए हिंदू लड़कियों का कन्वर्ट कर रहे थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो सो रहा था, आतंकवादी बनाने के लिए इतनी सारी लड़कियों का जब अगर धर्मांतर हो गया, आईएसआईएस में चले गई, अमित शाह को रिजाइन करना चाहिए। फिर इस बात को जब ये फिल्म बन जाती है, आप उधर एक तरफा भरोसा नहीं कर लेते हैं। सोशल मीडिया की चीजों को आप इस प्लेटफॉर्म पर उठाकर आ रहे हैं, कह रही है देखिए इस पर भरोसा कर लीजिए। आप एक तरफ भरोसा कर लेते हैं, एक तरफ भरोसा क्यों नहीं करते? स्टेटमेंट उन औरतों का इंटरव्यू दिखाना चाहता हूँ। हाँ। अर्पिता जी, मैं तो उन औरतों का स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ, ये भी कह रहे हैं जो फिल्म जिन्होंने बनाई वो भी कह रहे हैं कि हम स्टेटमेंट दिखा देंगे, हम सबूत भी दे देंगे कि हमने सच्ची घटनाओं पर बनाई है। लेकिन आप भरोसा सिर्फ एक चश्मा लगाकर मत कीजिए ना, सिर्फ एक तरफ। और या क्या अजय, ठीक है एक सेकंड सर, शंकर अन्ना भाई दोनों चश्मे इसी अगर केरला स्टोरी सच है, चश्मे दिख रहे हैं आपके शंकर अन्ना, अगर केरला स्टोरी सच है तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए। वो कैसे आंख बंद करके चुप बैठे? अगर हिंदू लड़कियों का कन्वर्शन करके आईसीएस भेजा जा रहा था
तो फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। एनआईए ने एक्शन किया और लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, चिंता मत कीजिए। एनआईए ने एक्शन, एनआईए एक्शन में आ चुकी है, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। और इसके पीछे कौन कौन लोग हैं वो पता भी चल रहा है। बाद में रोने मत लगिएगा और फिर ये मत कहिएगा कि हमने 4% आरक्षण दिया था मुसलमानों को। आप पहले होने को देते हैं, आंख बंद करके बैठते, उसके बाद हमने होने दिया। 2012 में सीपीएम के मुख्यमंत्री ने हाउस में कहा था कि अगर इसी रेट पे केरला में कन्वर्शन होते रहा तो 100% इस्लामिक राज्य बन जाएगा। केरला के मुख्यमंत्री सीपीएम के अजीता नंदन ने हाउस में कहा था 2012 में। किसकी सरकार थी केंद्र में 2012 में? 2012 में सरकार किसकी थी? आप तो सहयोगी थे ना यूपीए के। होम मिनिस्टर अमित शाह क्या कर रहे थे 2012 में? केरला के 2012 में केरला के मुख्यमंत्री ने हाउस में कहा था। केरला में 2012 में सरकार किसकी थी? सीपीएम। कांग्रेस की सरकार कहां थी? केंद्र में। क्यों नहीं एक्शन लिया जो मुझे होम मिनिस्टर का? हमारे होम मिनिस्टर की बात करते हैं। 2019 से एनआईए का एक्शन चल रहा है, कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, अंदर जा चुके हैं, नेटवर्क टूट रहा है। इसलिए तो मैंने बोला हैदराबाद स्टोरी भी आने वाली है बहुत जल्दी, बच के रहिएगा। ठीक है, वारिस पठान छोटा सा एक कमेंट। अरे सुनिए अजय आलोक, मणिपुर के ऊपर भी कुछ बोल दो ना। सुनिए अजय आलोक, मणिपुर के अंदर 50 से ज्यादा लोगों की जाने चले गए, उसके बारे में मोदी जी क्यों खामोश है? हमारे जवान शहीद हो गए वहां पे, अभी उसके बारे में मोदी जी क्यों खामोश है? सिर्फ और सिर्फ छोटे से वोट के लिए एक झूठी पिक्चर का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई साफ कर दिया जाए कि देखिए हमारे कुर्ते में कम दाग है, दूसरे के कुर्ते में झांकी है ज्यादा दाग नजर आएंगे। ये कला है राजनीतिक नेताओं।